बहुत ही झटपट से बन जाने वाली फिरनी, ये गुलाबरी फिरनी है। रोज़ पेटल से ये बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो इस फिरनी को आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं, रमज़ान में बनाइए या किसी भी मौके बनाइए, बहुत अच्छी लगती है खाने में, वक्त भी बहुत कम लगता है इसे बनाने में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये गुलाबरी फिरनी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये बना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, लजीज दस्तखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल गुलाबरी फिरनी, इसे रोज़ फिरनी भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और इससे पहले मैं कोलकाता स्टाइल फिरनी डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। वो फिरनी ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत ही लजीज बहुत ही टेस्टी फिरनी है और इस फिरनी को ज़रूर बनाइएगा। और इसे बनाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। गुलाबरी फिरनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ कामनी चावल। इस कामनी चावल से फिरनी बनाइएगा या खीर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है और इस चावल में खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 4.5 टेबल स्पून है इस टेबल स्पून से, और इसे 2.5 घंटा पहले भिंगो देना है। भिंगाने के बाद किसी छलनी में छान लीजिए और एक कपड़े में इस तरीके से निकाल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी होगा चावल का निकल जाएगा। हमें चावल बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इस तरीके से चावल भिंगा हुआ होना चाहिए। और इसे हमें दरदरा पीस लेना है इस चावल को। और यहाँ पर ली हूँ मैं 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 180 ग्राम चीनी, ये है ड्राई रोज पेटल्स, इससे फिरनी में टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और एक बार इस फिरनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं ली हूँ 2.5 टेबल स्पून, और गार्निशिंग के लिए ली हूँ मैं यहाँ पर पिस्ता, इस तरीके से बारीक काट लीजिए, और थोड़ा सा रोज़ पेटल। और ये है फ्लेवर के लिए, यहाँ पर ली हूँ मैं केवड़ा वाटर, आप चाहें तो रोज़ वाटर या मुगलई मीठा अतर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 लीटर दूध। सबसे पहले इसे हमें दरदरा पीस लेना है, एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैं दरदरा पीस ली हूँ। अब हमें रोज़ पेटल को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, बस 2-4 सेकंड के लिए। इसे भी देखिए मैं 4 सेकंड के लिए चला ली हूँ, बस हमें हल्का सा क्रश करना है, इसे पीसना नहीं है। दूध में जब अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें मिला दूंगी ये पिसा हुआ चावल। और चावल में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए दूध में उबाल आ चुका है, अब यहाँ पर चावल मिला दे रही हूँ, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दे रही हूँ। चावल डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, रुकना नहीं है वरना घुटिया बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी चीनी, रोज पेटल, इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, झटपट से बहुत अच्छी फिरनी बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और हमें अभी मिल्क पाउडर इसमें नहीं मिलाना है। मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ी कर लेनी है, जब गाढ़ी हो जाएगी तब हमें डाल देना है मिल्क पाउडर। देख लीजिए ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, अब हमें मिला देना है मिल्क पाउडर, और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही लजीज है ये। ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, अब मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ मिल्क पाउडर और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, देख लीजिए। और एक ज़रूरी बात, आप चाहे तो यहाँ पर एसेंस डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि रोज़ का जो पेटल्स है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आप स्किप कर सकते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 बूंद मैं यहाँ पर डालूंगी केवड़ा एसेंस, और आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है, यहाँ पर मैं बस 1 बूंद केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और इसे मैं निकाल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। फ्लेम पे इस फिरनी को बनाने में
19 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छी फिरनी बनकर रेडी हुई है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिरनी हमारी बनकर रेडी है और मैं गार्निशिंग कर रही हूँ पिस्ता और रोज़ पेटल से। और फिरनी काफ़ी गर्म है तो इसे मैं अभी बाहर ही रखती हूँ। जब बाहर थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ठंडी फिरनी सबको अच्छी लगती है। फिरनी जब थोड़ी ठंडी हो गई थी मैं फ्रिज में रख दी थी 1.5 घंटे के लिए। फिरनी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और देख लीजिए, देखने में जितना ज़बरदस्त है खाने में उतना ही टेस्टी है ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी फिरनी बनी है, बहुत कम चीज़ों में इतनी लाजवाब फिरनी बन के तैयार हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।